गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड इन न्यू सिटी। सो अभी रात को हम 2 बजे खाना वगैरह खा के फ्री हुए थे, तो अभी हम जो है तैयार होके निकलेंगे गंगा घाट की तरफ, क्योंकि हम पहुँचे हैं हरिद्वार और हरिद्वार से फिर हम आगे का सफ़र तय करेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो अभी मैं जाती हूँ, नहा धो के तैयार हो जाती हूँ। सो फाइनली गाइज, हम पहुंच गए हैं हरिद्वार हर की पौड़ी के पास, और यहां से अब हम एंटर करेंगे अंदर मंदिर के। और यहां पे जो है साइड पे ही हमें जो है पहले यहां से जो है अपने किसी भी होटल से जो है गाइज ऑटो लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि चल के जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे चल के भी जा सकते हैं अगर आपका आगे कोई प्लान नहीं है, बट यहाँ पे अगर आते हो तो बहुत ज़्यादा शांति होती है हर की पौड़ी के ऊपर। सो यहाँ पे हर की पौड़ी पे हम हैं, और यहाँ पे स्नान वगैरह करके और फिर जो है आगे देखते हैं क्या करना है। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैंने इतना ज़्यादा पानी जो है नहीं देखा, और मैं पूरी तरह से मगन हो गई थी इतनी सुंदर जगह के ऊपर, और बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये। और देखिए गाइस, फर्स्ट टाइम आई हूँ बट इन्जॉय मैंने बहुत ज़्यादा किया है, और बहुत खूबसूरत जगह थी। यहाँ पे मैंने स्नान भी किया है। तो गाइस, ऐसी जगह पे जब आप आते हो तो बस आपका दिल करता है कि आप बस ऐसी जगह को देखते रहें, बैठे रहें शांति से, और कुछ भी व्लॉग और फ़ोन ना उठाएं। बट मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए ये वाली वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। सो मैं यहाँ पे जो है हर की पौड़ी की वीडियोज़ बना रही हूँ, और अभी मैं यहाँ पे स्नान भी करूँगी। और क्योंकि मेरी तो गाइस बचपन से इच्छा थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, बट धूप भी बहुत थी, और बाकी जो फ्रेंड्स थे वो नहा रहे थे, तो हम थोड़े से कपड़ों का यहाँ पे देखभाल कर रहे थे। और यहाँ पे देखभाल करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, नहीं तो सुना है कि कपड़े आपके इधर उधर हो सकते हैं। सो सामान अपने जो सवारी है अपने सामान की खुद से जिम्मेदार होती है, सो वही चीज़ है, अपनी सामान की खुद रखवाली करनी पड़ती है। और बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे, जितनी देर बैठे हैं उतना कम है। मैंने वो सुबह भी यहाँ पे देखा, बट मेरी दोनों टाइम की जो है आरती गाइस वो मिस हो गई, क्योंकि हम सुबह थोड़ा सा लेट हो गए, और रात को भी जब हम यहाँ पे पहुँचे तो आरती भागे तो थे देखने के लिए, बट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। बहुत ही खूबसूरत जगह, और देख के तो मन करता है बस यहीं पर रह जाएँ गंगा किनारे, बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हस्बैंड का हाथ पकड़ के और फर्स्ट टाइम मैं गंगा जी में डुबकी लगाते हुए, और मुझे ये भी डर लग रहा था क्योंकि वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे आगे जा रहे थे, और मैं उनको रोक रही थी कि ज़्यादा आगे मत जाओ, बट वो कह रहे थे सेफ है, तू भी डर निकाल के नहा। तो मैं जब नहाई तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पर पानी बहुत ठंडा था, बट ठीक था कि इतना ठंडा तो था कि हाँ इंजॉय कर सकें, और गंगा जी में मज़ा बहुत आया।
और यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज किए, वहाँ पे बना होता है हड़की पौड़ी के पास ही आगे जाके एक जगह है, वहाँ पे आप कपड़े चेंज कर सकते हो जो लेडीज़ वगैरह हैं, क्योंकि जेंट्स तो बाहर ही कपड़े चेंज कर लेते हैं, सो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके बाद हमने खाई कचौड़ी और पूड़ी, और ये थी हड़की पौड़ी के पास ही एक जगह बनी हुई थी, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाता है खाने पीने का सामान, सो वहाँ पे हमने ये सब खाया। सो ये आए थे हम रात को गंगा आरती देखने के लिए, सो वो हमारी मिस हो गई। 7 बजे हम पहुँचे थे हरिद्वार में वापस, बट पहुँचते पहुँचते हमें टाइम लग गया क्योंकि कपड़े हमारे गीले थे ऋषिकेश से जब हम वापस आए थे। तो यहाँ पे आके हमने थोड़ी देर यहाँ पे रुके और खाया पिया, फिर निकल गए अपने होटल की तरफ वापस। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं गंगा घाट से, और वहाँ पे स्नान वगैरह करके कपड़े वगैरह बदल के, और अब हम निकलेंगे ऋषिकेश की ओर, और उसका व्लॉग जो है वो मिलेगा आपको कल। इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।